सेवन साइंस दैट यू आर जीनियस एंड इंटेलिजेंट। आज हम बात करेंगे उन सेवन साइंस की जो जनरली जीनियस में होते हैं। इन साइंस से आप डिसाइड कीजिए क्या आप जीनियस हैं या ऑर्डिनरी इंसान हैं। XCHM डिजिटल में आपका स्वागत है। जीनियस का सबसे पहला साइन आता है जीनियसेस नेवर एवर गिव अप। अब ये लोगों को बहुत कॉमन क्वालिटी लगती है। हाँ यार, उसने हार नहीं मानी बस। लेकिन सक्सेसफुल लोग किस हद तक जा सकते हैं अपनी टारगेट को पाने के लिए, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एलोन मस्क ने जब सबसे पहले स्पेस स्टार्ट की तो उनकी 3 रॉकेट्स बर्बाद हो गई थी। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जब आपके 3 रॉकेट्स बर्बाद हो गए थे तो आपने सोचा था कि अब पैकअप का टाइम आ गया है? तो इसमें एलोन ने कहा, नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊं तभी हार मानूंगा, या फिर मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि मैं अपंग हो जाऊं और मैं कुछ ना कर पाऊं। कुछ सेम आंसर फेमस एक्टर विल स्मिथ ने भी दिया था। उन्होंने कहा है, हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा टैलेंट हो या सबसे ज्यादा स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरा कॉम्पिटिटर दोनों ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं तो वो पहले हार मानेगा, नहीं तो मैं तब तक भागूंगा जब तक मैं मर न जाऊं। नंबर 2, ऑब्सेस्ड विद समथिंग। जीनियसेस किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएं तो वो चाहते हुए भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते, उसी टॉपिक को सोचते रहते हैं। बस वही एक टॉपिक इनके लिए सिग्नल है, बाकी सब नॉइज है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें कि वो इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज्यादा फोकस हो गए थे कि वो हनीमून के टाइम पे भी अपने साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके गए थे। जब एक बार उनकी पत्नी बीमार हुई और लेटे हुए थे तो उन्होंने वॉरेन से कहा, क्या तुम किचन से मेरे लिए एक बॉल ला सकते हो ताकि उसमें मैं गर्म पानी डाल के पी सकूं? वो किचन में गए और वहां पे एक के बाद एक बर्तन फेंकने लगे। उन्हें बर्तन ही नहीं मिल रहा था और फाइनली किचन से एक छेद वाला बॉल लेके आ गए जिसमें फ्रूट्स धोया जाता है। अब कई लोग इसे केयरलेस एटीट्यूड बोल सकते हैं, पर ये जीनियसेस की निशानी है। वॉरेन बर्तन लाते वक्त भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट से बहुत ऑब्सेस्ड थे। नेक्स्ट साइन आता है रीडिंग। आज एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, शशि थरूर के बारे में पढ़ते हैं। इन लोगों ने सक्सेसफुल होने के लिए अपने टाइम में सक्सेसफुल लोगों के बारे में ही पढ़ा था, इसलिए रीड एंड लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम नए ग्रेट आइडियाज को अपने दिमाग में भर पाएंगे, तभी एक ग्रेट लाइफ अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है जीनियसेस की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है जूम इन और जूम आउट, दोनों करके सोच सकते हैं। द नेक्स्ट क्वालिटी आती है थिंकिंग अबाउट योर मोर्टेलिटी एंड एडजस्टिंग गोल्स इन दैट मैनर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट थिंग्स फास्टर। एंड द लास्ट वन इज दे डोंट से यस इफ दे वॉन्ट टू से नो। सो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें। XCHM डिजिटल फिर आएगा एक नए वीडियो के साथ।